आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, ऐसे में शिवराज जी को आप कहाँ देखते हैं? शिवराज जी जननायक हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और जनहितैषी मुख्यमंत्री हैं, और उनके चेहरे को लेकर जो चुनाव लड़ा जा रहा है तो उनकी मैं तुलना ज्योति बसु और अर्जुन सिंह जी से करना चाहता हूँ कि बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं, जनता पसंद करती है, जननायक हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को लेकर जो चुनाव लड़ा जा रहा है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा को सरकार बनाने वाले ज्योतिराज सिंधिया कहीं पोस्टरों में नजर नहीं आ रहे, क्या कहते हैं? जैसा करा है वैसा तो भुगतना पड़ेगा, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं करा तो करके देख वाली कहावत आज सिंधिया जी पे बिल्कुल लागू होती है। 40 साल जिस कांग्रेस ने जिनको सब कुछ दिया, उस कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर जिस तरह गए थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको मेंट पे बिठाया है। यकीनन इस चुनाव के बाद सिंधिया जी का कद मैं समझता हूँ कि नहीं रहेगा मध्य प्रदेश में। आपका साफ तौर पर कहना है कि जनता उन्हें पसंद नहीं करती? बिल्कुल नाराजगी है, जनता नाराज है, चुनी हुई सरकार जाती है तो तकलीफ सबको होती है, तो जनता को भी होती है क्योंकि उसने वोट से चुनी हुई सरकार को गिराया आपने, तो ऐसे लोगों के लिए तो मध्य प्रदेश की आवाम को बाहर का रास्ता वैसे भी दिखाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगा रहे हैं और कई मुद्दे, लेकिन इनमें विकास के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उपचुनाव में क्या होगा? विकास तो एक तरफ चला गया है, धन बल बाहुबल के जोर पे ये चुनाव होना है 28 सीटों पे, और मैं समझता हूँ कि विकास जो होना था मध्य प्रदेश में, जिस तरह का विकास होना था वो विकास तो नहीं हुआ, लेकिन 15 महीने की सरकार में भी जो 15 महीने की तोड़ फोड़ करके जो विनाश किया था वही उसी राह पे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार भी चल पड़ी है, विनाश की ओर तोड़ फोड़, गरीबों के मकान उजाड़ना, दुश्मनी है, एक दूसरे की दुश्मनी निकालने में व्यस्त है, विकास के नाम पे अभी यहाँ पर जीरो है। 15 साल जो भाजपा का आरोप थी कि 15 साल जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को बर्बाद किया, ये कहाँ तक है? 15 महीने में तो प्रदेश बर्बाद नहीं होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी को काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं करने दिया और 3-3 मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे जिसकी वजह से सरकार विफल हुई। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से कुछ ज़्यादा 15 साल पीछे कांग्रेस चली गई है और अब कमलनाथ जी जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि बस मालिक उनको कामयाब करे, लेकिन यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और मैं प्रदेश की आवाम से 28 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है वहाँ की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अपने मत का प्रयोग करें और किसको दें ये ना बताएं, आपके दरवाजे सभी तरह के लोग आते हैं, 5 आज ये आपके पैरों में घुटनों के बल बैठे हैं, कल अगर ये 5 ये चुनाव जीत के जाएंगे तो ये 5 साल आपको खून के आंसू रुलाएंगे, आपका मत बहुत अमूल्य है, कीमती है, मत ज़रूर करें लेकिन देख कर करें, प्रत्याशी देख कर करें। आप कह रहे हैं कि मतदान के लिए आपने अपील भी कर दी है जनता से, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है प्रदेश में, क्या लगता है जनता बाहर निकलेगी? असर तो पड़ेगा जनता पे, कोरोना का असर बहुत इफेक्ट है, लोग जनता डरी हुई है, भयभीत है जनता, इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मत ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूरी बनाएं, मत का अपने मत का प्रयोग करें, यही मेरी जनता जनार्दन से अपील कि अपना मत का प्रयोग करें, भले ही चाहे किसी को दे वोट, नोटा को दे, भाजपा को दे, कांग्रेस को दे, सापा को दे, बासपा को दे, लेकिन अपना वोट कीमती है, इसको देना ज़रूरी है, यही कहना चाहता था, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिंद।